सीधा चलते हैं यूपी के फारुखाबाद की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास कार्यों की सौगात यहां पर दी है। के साथ ही इन 102 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, जिनकी लागत 288 करोड़ है। इनमें 47 परियोजनाओं का शिलान्यास और 55 नवनिर्मित योजनाओं का लोकार्पण आज हुआ है और जनपद के विकास में और गति। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में, हर दिशा में तीव्र गति से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। से अधिक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। हमारा यूपी का नौजवान अब यूपी से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर का व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए यूपी में आएगा। और आपके लिए गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब नोएडा की तर्ज पर नया शहर जो विकसित होने जा रहा है वह कानपुर और बुंदेलखंड के बीच में, झांसी के बीच में हो रहा है। आपकी कनेक्टिविटी बेहतर बन सके इसके लिए, फर्रुखाबाद वंचित न रह सके इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास भी है और विरासत का संरक्षण भी है। कोई सोचता था बाबा नीम करोली की कोई बात करेगा? कोई सोचता था कि संकिसा की चर्चा कोई करेगा? यहां तो विवाद खड़ा किया जाता था, आज विवाद शांत हुआ है, समाधान हुआ है। हम समस्या पर नहीं समाधान पर विश्वास करते हैं और उसी समाधान के लिए को लेकर के भी आते हैं। हमारा ये मानना सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम हो सकता है और हर हाल में समस्या का समाधान करना सरकार का काम होना चाहिए। इसके लिए डायलॉग हो, हम उसका माध्यम उसको अपनाते हैं। जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं उन तरीकों को अपना करके जनता जनार्दन की समस्या का समाधान करेंगे, उसको हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और उसी समाधान के नाम का परिणाम है आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। मुझे 7 तारीख को आना था और 7 मार्च को जब आने का कार्यक्रम बन रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख तक आचार संहिता लागू हो जाए, तो मुझे मुकेश राजपूत जी ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नहीं नहीं अभी तो जो है यहाँ पे जो है हम वहाँ अयोध्या धाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा भी अयोध्या धाम बहुत आवश्यक है, 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुए, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के